नमस्कार दोस्तों, डीके चिड़ू होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज का प्लान जो है 30 फीट बाय 70 फीट का है। यह प्लान जो है मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, इससे पहले उसके 3D फ्रंट एलिवेशन जो हमने बनाया था वो 3D फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में उस फ्रंट एलिवेशन में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस किए थे तो वो भी ऑप्शन हमने बनाया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बहुत सारे कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे वो कलर ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, और लास्ट में वो प्लान भी मैं आपको समझाऊंगा। तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो बेल का आइकन है वह दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले समय में हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए आपको वो बेल का आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था 30 फीट बाय 70 फीट का यह पूरा प्लान है और यह डिज़ाइन है, मतलब फ्रंट जो है इसका 30 फीट है, मतलब 30 फीट है। तो ये जो है इस टाइप में हमने डिज़ाइन बनाया था। इसके और भी ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार पार्किंग के लिए जगह दी गई है, उसके बाद में इस साइड में जो है लिविंग रूम का डोर दिया गया है जो प्लान में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विंडो दिया गया है और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है। इस साइड में आप देख सकते हैं स्टेयरकेस का जो टावर है उसको एक सिंपल सा और बढ़िया सा हमने डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा बालकनी दिया गया है, ये ओपन टेरेस दिया गया है फ्रंट में, और वॉल कंपाउंड भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सी है और अलग टाइप की दी गई है। और इसके कलर ऑप्शन भी हमने दिए थे, आप देख सकते हैं ये भी एक काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा कलर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन और सुंदर सा कलर ऑप्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो इस टाइप में ये डिज़ाइन है। अब इसका सेकंड वाला डिज़ाइन जो है जो हमने बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं वो किस टाइप में बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन बनाया गया है आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये स्लोपिंग का रूप दिया गया है। तो ये जो है रूफ नहीं दिया गया है, स्लोपिंग रूफ नहीं है, ये फ्रंट में ही एक डिज़ाइन हमने बनाया है, मतलब ये पूरा ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करके ये स्लोप आप बना सकते हैं, ये पूरा पैरापेट डिज़ाइन में हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्लैब डालने की ज़रूरत नहीं है या तो छत डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप में इसका लुक आता है काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर का कट कर दिया है, उसके बाद में इस टाइप में दिख रहा है। तो पहले वाले डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस हैं, आपको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। देख सकते हैं ये जो पहला वाला जो डिज़ाइन है इसमें और इसमें आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस हैं आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं ये भी एक सुंदर सा डिज़ाइन दिया गया है। अब ये है इसका प्लान। देखिए 30 फीट बाय 70 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया है, और ये प्लान जो है हमने नहीं बनाया था, ये कस्टमर ने बनाया था, और उन कस्टमर ने जिनकी तरफ से बनाकर लिया था उनको हम यह क्रेडिट देते हैं, हम इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो डिज़ाइन समझने के लिए आपको प्लान समझना ज़रूरी है, तो ये प्लान मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन शायद और क्लियर नज़र नहीं आएंगे, इसलिए इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि डायमेंशन आपको क्लियर नज़र आए। देखिए ये जो इस साइड में रोड है, यहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर लिखा है, पहले ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझ लेते हैं। यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह मिलती है, इसके डायमेंशन जो है आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डोर दिया गया है, यहाँ पर लिविंग रूम दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर पूरा देख सकते हैं एंट्रेंस लॉबी दिया गया है, यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं हमारे स्टोर रूम में, यहाँ पर स्टोर रूम, यहाँ पर एक किचन दिया गया है। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर स्टेयरकेस दिया गया है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर पूरा ड्राइंग कम डाइनिंग दिया गया है, बहुत बड़ा सा एरिया दिया गया है, लगभग 19 फीट बाय 12 फीट का, मतलब 19 फीट बाय 12 फीट का। उसके बाद में यहाँ पर एक ओपन डक्ट रखा गया है वेंटिलेशन के हिसाब से, यहाँ पर एक टॉयलेट रखा गया है, उसके बाद में यहाँ पर एक वॉश एरिया दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक टॉयलेट दिया गया है जो अटैच है इस बेडरूम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डोर है इस मास्टर बेडरूम का है, 11 फीट बाय 14 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, और यहाँ पर एक अटैच वाला बाथरूम दिया गया है, पीछे के साइड में एक विंडो दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर 3 फीट का एक पैसेज दिया गया है पीछे के साइड में जाने के लिए, और यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है जिसका साइज़ है 13 फीट 10 इंच बाय 14 फीट का, मतलब लगभग 14 फीट बाय 14 फीट का, और इसे एक अटैच वाला बाथरूम भी दिया गया है।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब फर्स्ट फ्लोर का प्लान आप समझ लीजिए, देखिए ग्राउंड फ्लोर से एंट्री यहाँ पर होती है इस एंट्रेंस में, इस लॉबी में। उसके बाद में यहाँ पर लिविंग रूम दिया गया है और यहाँ पर ओपन टेरेस दिया गया है जो 3D में आपको नज़र आ रहा था। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में बेडरूम दिया गया है और इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है जो अंदर से यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसे बालकनी भी दी गई है फ्रंट साइड में। उसके बाद में स्टेयरकेस कंटिन्यू रिपीट किया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा किचन दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में ड्राइंग हॉल, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं दो फैमिलीज के हिसाब से इस साइड में एक फैमिली रहेगी और इस साइड में एक फैमिली रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइंग कम डाइनिंग दिया गया है, लगभग सेम साइज दिया गया है जैसे कि नीचे था। यहाँ पर एक ओपन टू स्काई रखा गया है मतलब वेंटिलेशन के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर एक पूजा रूम, यहाँ पर टॉयलेट, उसके बाद में यहाँ पर किचन दिया गया है। किचन को पीछे के साइड में वॉशी रह दिया गया है और यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है जिसका साइज सेम है जैसे कि हमने नीचे दिया था 10 फिट बाय। यहाँ पर जो साइज दिया गया है रूम का, देखिए 11 फिट बाय 14 फिट का है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूम का साइज जो दिया गया है 10 फिट बाय 14 फिट का। उसके बाद में बीच में किचन दिया गया है, यहाँ पर पूजा रूम और यहाँ पर फिर से एक बेडरूम दिया गया है जिसका साइज है 10 फिट बाय 14 फिट का, जिसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है। तो इस टाइप में ये प्लान था 30 फिट बाय 70 फिट का। आशा करता हूँ कि प्लान और यह डिज़ाइन जो है आपको पसंद आया है। अगर आपको यह डिज़ाइन और यह प्लान आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर प्लान और डिज़ाइन हमने अपलोड किए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।